friends how are you hope you are doing really very very well so today's our topic is av fistula maturation exercises why exercise is needed and types of exercise okay in other video i have already discussed about what is av fistula and why av fistula is needed and its type in this video i am going to discuss about why exercise is needed for an av fistula and types of exercises मैचोरेशन ऑफ एन एवी फिस्टूला इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैच्योर ब्लड वेसल्स दैट कैन विद स्टैंड द हाई ब्लड फ्लो रिक्वायर्ड फॉर हेमोडाइल्सिस हेमोडायलिसिस के लिए आपको हाई ब्लड फ्लो रेट की ज़रूरत पड़ती है तो जब फिस्टूला मैचोर हो जाता है तो आपके ए वी फिस्टूला की जो वेन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसमें फ्लो भी अच्छा आने लगता है जिससे डायलिसिस होने में आसानी होती है एक्सरसाइज कैन हेल्प इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड प्रमोट द मैचोरेशन ऑफ ए वी फिस्टोला जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिस्टुला के मैचूरेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है और ब्लड फ्लो रेट भी आपका अच्छा हो जाता है सो हियर आर सम समसरसाइजेस दैट कैन हेल्प इन ए वी फिस्टूला मैच्येशन यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो एवी वी के मेचोरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे तो एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ है हैंड ग्रिप एक्सरसाइज सेकेंड इज आर्म एक्सरसाइज थर्ड इज़ फिस्टुला मसाज एंड फोर्थ इज़ कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज तो अगर हम हैंड ग्रिप एक्सरसाइज की बात करें तो स्क्वीजिंग ए हैंड ग्रिप और टेनिस बॉल और इस्माइली बॉल कैन हेल्प इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द एवी फिस्टुला बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स जब आप स्माइली बॉल को या टेनिस बॉल को स्क्वीज करते हैं दबाते हैं या आप हैंडग्रीप का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके ए वी फिस्टोला में ब्लड फ्लोरेट वो अच्छा हो जाता है और मेचोरेशन में भी काफ़ी हेल्प होती है पेशेंट कैन परफॉर्म हैंडग्रीप एक्सरसाइज फॉर सेवर मिनट्स ए डे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी एज द फस्टुला मेच्योर स्टार्टिंग में आपको थोड़े समय के लिए करना है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको ड्यूरेशन बढ़ाना है और उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाना है अगर हम आर्म एक्सरसाइजिज की बात करें तो आर्म एक्सरसाइजिज सच एज बाई सेफ एंड ट्राई सेफ एक्सटेंशन कैन हेल्प प्रमोट ब्लड फ्लो टू द एवी फिस बाई इंक्रीजिंग मसल्स स्ट्रेंथ एंड ब्लड वेसल साइज़ जब आप आर्म एक्सरसाइज करते हैं यानी बाई सेप ट्राई सेप का जब एक्सटेंशन करते हैं तो आपकी मसल्स तो वो स्ट्रोंग होती ही होती है साथ में जो आपकी ब्लड uh, वेसल्स है उसकी भी साइज़ जो वेसल साइज है वो भी काफ़ी बढ़ती है और वो भी इम्प्रूव होती है तो पेशेंट कैन स्टार्ट विथ लाइट वेट्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी एज देश तो स्टार्टिंग में आप लाइट वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अगर आप डंबल का यूज़ कर रहे हैं तो आप हल्के वेट से स्टार्ट कर सकते हैं बाद में धीरे धीरे आप वज़न को बढ़ा सकते हैं फिक्स है फिस्टोला मसाज तो जेंटली मसाजिंग द एरिया अराउंड द ए बी फिस्टोला कैन हेल्प प्रमोट ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन अगर आप फिस्टुला मसाज का जेंटली मसाज करते हैं तो आपके क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क को भी कम कर देता है और ब्लड फ्लो रेट को भी इम्प्रूव करता है पेशेंट कैन यूज़ ए जेंटल सर्कुलर मोशन विद दियर फिंगर्स टू मसाज द एरिया फॉर ए फ्यू ए एडे जो आपके ए वी का एरिया है उसको आप धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में वहाँ मसाज कर सकते हैं आप जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा एंड लास्ट है कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेज़ कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइजेज सच एज वॉकिंग और साइकिलिंग कैन हेल्प इम्प्रूव ओवरऑल कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ एंड प्रमोट्स ब्लड फ्लो टू डा ए फिस्टुला अगर अगर आप कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ये ए फिस्टुला में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है जिससे ए फिस्टुला आपका मेच्योर होने में काफ़ी हेल्प मिलती है अब कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज में जैसे आप साइक्लिंग कर सकते हैं वॉकिंग कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं देखिए ध्यान देने वाली बात यह पेशेंट शुड कंसल्ट दियर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम टू इंश्योर दैट इट इज सेफ एंड अप्रोप्रिएट फॉर दियर कंडीशन आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने टेक्नीशियन अपने स्टाफ या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर पूछने लें उसके बाद ही आप कोई एक्सरसाइज को, को चूज करिए पेशेंट शुड अवॉइड एनी एक्सरसाइज दैट कैन दैट पुट प्रेशर ऑन द फिस्टुला और आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो फिस्टुला पर ज़्यादा प्रेशर डाले इससे फिस्टुला ख़राब होने का या फेल होने का चांस भी रहता है इसलिए जब भी आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपने स्टाफ से आप पहले ज़रूर पूछ लीजिए